अपने एक्स हस्बैंड शालीन भनोट के बारे में सामने आकर दलजीत कौर ये बता चुकी हैं कि वो शादी में उनके साथ हिंसा करते थे। दलजीत ये बता चुकी हैं कि कैसे शालीन उन्हें कमरे में बंद कर देते थे और उनका सर पकड़कर दीवार में मारते थे। दलजीत ने शालीन के खिलाफ घरेलू हिंसा के तहत FIR भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब शालीन भनोट घर के अंदर टीना दत्ता के साथ लव एंगल चला रहे हैं। शालीन से बातें करते हुए टीना अक्सर कहती है, आई डोंट वॉन्ट टू गेट हर्ट। टीना ये बात बार बार क्यों कहती है, चलिए आपको ये बताते हैं। असल में टीना दत्ता ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो अपनी जिंदगी में एक ऐसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं जो उन्हें फिजिकली और इमोशनली अब्यूज करता था, टॉर्चर करता था। टीना ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं उसके साथ 5 साल रिलेशन में रही। वो इंडस्ट्री से तो नहीं था, लेकिन हम एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। वो मुझे मेरे दोस्तों के सामने मार देता था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे मरता जा रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैंने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। टीना ने बताया कि वो रिश्ता उनके लिए बेहद अपमानजनक होता जा रहा था। जी हाँ, 5 साल टीना दत्ता एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में रह चुकी है। वहीं अब टीना का शालीन के साथ होना टीना के फैंस के लिए, उनके परिवार वालों के लिए चिंता का विषय बन गया है। उम्मीद करते हैं कि जब टीना घर से बाहर आए तो दलजीत खुद टीना से मिलकर उन्हें शालीन और अपने रिश्ते की सच्चाई बताए, क्योंकि शालीन ने तो टीना से कहा है कि वो सब बहुत फनी था, तुम सुनोगी तो हंसोगी। उम्मीद करते हैं कि दलजीत टीना को एक बार फिर से ऐसे रिश्ते में पड़ने से रोक लेंगी। उम्मीद करते हैं कि उतरन एक्ट्रेस को एक बार फिर से वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो वो अतीत में देख चुकी है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।